झुंझुनू शहर में गाड़ी में सवार होकर आए युवकों द्वारा एक व्यापारी को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। कुछ अज्ञात गाड़ी लेकर आए और व्यापारी को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। इस संबंध में पीड़ित व्यापारी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस ने परिवाद दर्ज किया है। इस संबंध में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार झुंझुनू शहर की रोड नंबर 3 पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास बालाजी ट्रैक्टर पार्ट्स के मालिक राजकुमार सहारण की दुकान के पास शनिवार शाम करीब 5:30 बजे एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से 4-5 लोग नीचे उतरे और दुकान पर आ गए। धमकी देकर बोले, 4-5 दिन खा लो पी लो, तुम्हारी जिंदगी इतनी ही है। उन्होंने डराने के लिए गाली गलौज की। थोड़ी देर बहस करने के बाद गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। व्यापारी राजकुमार सहारण ने बताया कि वे किसी नहीं पहचानते हैं। उन्होंने तुरंत ही कोतवाली थाने में इस संबंध में रिपोर्ट दी है। पुलिस ने रिपोर्ट पर परिवाद दर्ज किया है। कोतवाली थाना अधिकारी पवन चौबे ने बताया कि परिवाद प्राप्त हुआ है, मामले की जांच कर रहे हैं। आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी मिला है, इसके अलावा भी शहर में कैमरे देख रहे हैं। मामला ये है, काल की बात है, करीब 6:45 बजे की बात है। 6:45 बजे लगभग जना ये औरत दुकान पर आए, मैं बाहर ने बाल्टी बूटी लगाऊँ था, मेरी सामान सरकाऊँ था अगने जना तावड़ी आ रही जो भी इतने घर नहीं तावड़ी चली जाए ठंडा मौसम हो जाए तो बाहर ने सरकाऊँ सामान ने जरा ऊँ था सरकाऊँ था वो इन दुकान पर चल गया इनके जो पहला भी 3-4 महीने पहला मेरे साग हुई है मारकूट मर के बच्चे हूँ तो हॉस्पिटल में रहा हूँ 3-4 दिन तो ये काल धमकी दे के गए हैं बोले 3-4 दिन में तो ना सता जाएंगे बोले काफ़ी लेके खाना होता ये आदमियों की इनकी फोटो भी भेज रखी है सगले काम थाना में रिपोर्ट दी है ना कल दे के आऊँ रिपोर्ट थाना में।